कंधे पे हमारी सुरक्षा होती है। कानून व्यवस्था जिस पे हम विश्वास रखते हैं कि जब हमारे साथ कोई अन्याय होगा या हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा तो हमारे जो हमारे ऊपर हाथ जिनका रहेगा वो कानून का हाथ रहेगा। लेकिन कैसा बीतेगा आपके मन पर जो वही आप पर ऐसा घात करें, ऐसा इल्ज़ाम लगाएं जो शायद अस्तित्व में ही नहीं हो। आप फ्रेम में देख रहे हैं मेरे साथ ब्रह्मचारिणी जो है पद्मावती जी भी बैठी हैं। इनकी स्थिति इतनी सही नहीं है कि ये हमारे साथ बातचीत कर सकें और अपनी बात आपके समक्ष रह सकें। मैं कुछ तारीख बताती हूँ। 15 दिसंबर 2019, ये वो तारीख है जिस दिन ब्रह्मचारिणी पद्मावती जी संकल्प लेती हैं कि इस जो लड़ाई है मातृ सदन का, जो संघर्ष है गंगा की सफाई को लेकर, जिस तरह से प्रशासन जो रवैया अपना रहा है अपना, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज जो आई और गई और अभी भी जो अस्तित्व में है वो जिस तरह का रवैया अपना रही है मातृ सदन के लोगों के लिए, उनके खिलाफ मैं अनशन पर बैठूंगी, ये संकल्प लेती हैं और वो बैठती हैं। मैं आपको बता दूं इनकी उम्र जो है महज 23 वर्ष है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ब्रेन वॉश करके अनशन पर बैठाया गया है। ब्रह्मचारिणी पद्मावती जी स्वयं बैठी हुई हैं। अगर उनको इस बात से आपत्ति होती, अगर उनका उनके साथ जबरन ऐसा किया गया होता तो शायद वो सहमति अपनी नहीं देती। 15 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू होता है। डेली जो है सरकारी टीम आ रही है जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए। फिर तारीख आती है 30 जनवरी। 47 डेज हो चुके रहते हैं अनशन को। उस दिन सुबह मेडिकल रिपोर्ट होती है, हमेशा की तरह रिपोर्ट नॉर्मल रहती है, लेकिन सीएमओ के आदेश पर करीब 11 बजे रात को, गौर कीजिएगा, पुलिस आती है और जबरन इनका अनशन तोड़वाने की कोशिश करती है। इनको उठाकर दून के एक अस्पताल में लेकर जाती है। जबरन इसलिए क्योंकि उस समय के वीडियोस हम आपसे जरूर शेयर करेंगे उस तारीख के। कुछ होने जा रही है, क्यों जाएंगे हम हॉस्पिटल को? क्या कह बताइए, क्या तबीयत खराब है मेरी? क्या हुआ मुझे? क्या मैं बोल नहीं सकती हूँ, चल नहीं सकती हूँ? मेरी मानसिक स्थिति खराब है क्या? आज सुबह का रिपोर्ट स्टेबल आया, बिल्कुल सही है, बीपी भी सही है, सब कुछ सही है, फिर मुझे क्यों उठाने के लिए आप लोग आए हैं? मनीष कुमार एसडीओ ने उठाया, वायन करवा दिया, मुझे कुछ चौहान उठवा ले गए। क्यों करते हैं? सुने ना, बोल रही है आप, मुझे पॉइजन करवाने के लिए, मरवाने के लिए है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, छोड़ा मुझे। मेरी तबीयत खराब तोड़ी है जो मुझे स्ट्रेट अप ले जा रहे हो, मेरी तबीयत खराब तोड़ी है। चल के जाने दीजिए, छोड़ो, चलने के लिए वो कह रही है चल के जाएगी, तो क्यों लगा रहा था जबरदस्ती में दिखा रहे हैं आप? क्यों जाएगी वो? ये तो रात को उठा रहे हैं आप लोग। फोन कर रहे सुनाम जी, छोड़ दीजिए चप्पल ले आओ। ये बताए पहले क्यों उठाया जा रहा है? क्यों उठाया जा रहा है मुझे? क्या तबीयत खराब है मुझे? मुझे मरवाने के लिए सीएम उठा रही है, ये आपसे नहीं, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री मेरे सपोर्ट में आया था, यहाँ का मुख्यमंत्री मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है, छोड़ो मुझे। आप लोग जानते होंगे कि वो बहुत बड़े जाने माने वैज्ञानिक थे हमारे देश के, और पर्यावरण के लिए काफ़ी समर्पित थे, और वो गंगा भक्त थे, और वो गंगा की अविरलता के लिए, गंगा को खनन और बांधों से मुक्त करने के लिए 2018 में वो अनशन पे 2018 में बैठे थे, और मेरे सामने ही उन्हें सरकार ने उठवाई, बीजेपी ने उठवाई, और उन्हें पॉइजन दे के 111 दिन के अनशन के बाद पॉइजन दे के उन्हें मरवा दिया। फिर मेरे गुरु भाई ब्रह्मचारी आत्मोदानंद
इसी उन्हीं मांगों के लिए 194 दिन तक अनशन किए, जिनको मोदी इलेक्शन के चलते आप बोले कि आश्वासन दिए कि लिखित और मौखिक दोनों आश्वासन दिए कि हम पक्का वादा करते हैं कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, गंगा को खनन और बांधों से मुक्त कर देंगे। तो ये अनशन का विराम दिया गया, मई में इसका विराम हुआ और फिर वो उन मांगों को 7 महीना तक पूरा नहीं किया गया। उसके बाद यह माती सदन की साध्वी पद्मावती उसी मांगों को लेकर बैठी है जिसे सरकार ने लिखित और मौखिक में मान ली थी लेकिन पूरा नहीं की धरातल पे। तो लेकिन मैम आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम उन्हीं मांगों सानंद की मांगों को पूरा करे सरकार। मांग क्या क्या है मैं बता देना चाहती हूँ। प्रथम मांग है गंगा पर बने प्रस्तावित निर्माणाधीन समस्त बांधों को निरस्त करना, जिसमें विशेषकर सिंगोली भटवारी फाटाव्यू विष्णुगढ़ पीपल कोटी तपोवन विष्णुगढ़ को तत्काल निरस्त करना है। दूसरा है बने हुए बांधों पर IIT कंसोर्टियम के रिकमेंडेशन के अनुसार रिफ्लो दिया जाए और ये नियम हरिद्वार के भीमगढ़ और नरोरा आदि बांधों पर भी लागू हो। तीसरा है गंगा पर खनन से संबंधित NMCG के आदेशों को अक्षरशः पालन किया जाए और चौथा है गंगा के एक्ट के लिए एक विस्तृत चर्चा हो जिसमें मातृ सदन एवं अन्य गंगा समर्पित संस्था भी सम्मिलित रहे। और पांचवी मांग है NGT के जज श्री राघवेंद्र राठौर जी जो गंगा द्रोही के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उन पर उच्च स्तरीय जाँच बैठे। और छठी मांग है हरिद्वार के SSP श्री सेंथिल अबुदय किशन राज जो खुलेआम मातृ सदन के संस्थापक श्री गुरुदेव जी को मरवाने के लिए खुलेआम मैदान में उतर गए हैं उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए और उन पर उच्च स्तरीय जांच बैठे। लेकिन मैम एक सवाल ही, गंगा को आप साधन मान रहे हैं, आप बांध तो बहुत बना रहे हैं, आप और नदियों पर भी तो बना रहे हैं, माँ गंगा को तो आप कम से कम छोड़ दो। अरे एक मां मैं आपको याद दिला दूं कि इस संसार में एक माँ गंगा ही एक ऐसी नदी है जिसे लाने के लिए भगीरथ के पूर्वजों ने बलिदान दिया, तप किया और उनका उन्हें बचाने के लिए आज कलयुग में भी तप किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी और कौशलेंद्र कुमार झा जो कि बिहार के सांसद हैं वो आए मातृ सदन और समर्थन दिए, बोले गंगा की विरलता जरूरी है और मोदी को पत्र भी लिखे हैं, इतना बड़ा उनका समर्पण रहा है। और ये और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी भी अपने तरफ से समर्थन भेजे हैं और ये यहाँ के जो CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो हमें किसी भी हालत में पॉइजन दे के मरवाने के लिए तुले हुए हैं। पर उसके बाद क्या अस्पताल में जो होता है क्या वो सही है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्यों एक ऐसी ब्रह्मचारिणी जिसका कोई कसूर नहीं, जो अपने स्वयं के निर्णय से इस अनशन पर बैठी है और उस पर एक आरोप लगता है बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी आधार के कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्हें उल्टियाँ हो रही हैं। मैं पद्मावती, मुझे यहाँ अपहरण करके यहाँ पे लाया गया है और मुझे यहाँ के डॉक्टरों पे शक हो रहा है क्योंकि ये लोग मेरे एक डेढ़ महीने से अनशन चल रहा है तब से यूरिन टेस्ट किया जा रहा है जिसमें कीटोन कभी आता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आता रहा है। ये प्रेग्नेंट होने का, 2 महीना प्रेग्नेंट होने का इल्जाम लगा रहा है जबकि अभी फिलहाल अभी जस्ट यूरिन टेस्ट में निगेटिव निकला है। इसलिए मुझे, मैं सब भारतवासियों से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने भारत की बेटियों की इज्जत का मान, मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, माँ गंगा मेरी पवित्रता की साक्षी है। आप स्वयं सोचिए 23 वर्ष की वो लड़की जिसके सामने आरोप लगाया जाए, जिसने ब्रह्मचर्य को अपना जीवन का ध्येय बना लिया हो, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी? एक लड़की जिसने चुना पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए, वो है ब्रह्मचारिणी पद्मावती। अब देखना ये होगा कि ये त्याग और बलिदान मात्र सदन का जो लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है वो कितना सफल होता है और सरकार कितनी संजीदगी इस पूरे मामले पर दिखाती है। देखते रहिए दिसंडे पोस्ट।